Tutorials of NXCAD. Today we are going to start with our mirror command. आज हम mirror command करेंगे, जिसमें हम दो sketches का use करेंगे. एक तो simple mirror है और दूसरा है circular pattern में. ये मैंने पिछली बार बनाया था last time. एक ये वाला है और एक ये. पहले हम first sketch use करेंगे, उसके बाद second. तो बिना time waste करते हुए start करते हैं. ये हमारा welcome window है, इसमें new project करना है. New मॉडल एंड ओके. तो फर्स्ट मिरर कमांड के पर फर्स्ट वाला फिगर के लिए सिंपल एक बॉक्स करना है. एक साइड का बनाना है ये स्लॉट और एक्सिस लेके उसको मिरर कर देंगे. तो सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. स्टार्ट कैसे करते हैं? मेनू, इंसर्ट, स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट. उसके बाद हमें प्लेन सेलेक्ट करना है एक, जिसपे हमें ड्रॉ करना है. ये वाला प्लेन सेलेक्ट किया और ओके. इस प्लेन पे हमें वो फिगर कंप्लीट करनी है. तो मैं रेक्टेंगल लेता हूँ 02. ओके एंड एस्केप. यहाँ से ये दोनों ऑफ करने होते हैं, क्रिएट स्ट्रेंस और ऑटो डायमेंशनिंग, बट मैंने अभी नहीं किया है, मैं को ध्यान नहीं रहा. पर जब भी यूज़ करना तो एक क्रिएट ऑफ करना ही है. हमने डायमेंशन दे देता हूँ इसको एडिट करके 100. इसको भी 100 दे देते हैं और जूम टू फिट कर लेंगे. स्क्रीन पे फिट हो गए. अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे एक स्लॉट बनाना है. स्लॉट कैसे बनाएंगे? मैं सर्कुलर ले रहा हूँ एक यहाँ, एक एग्जैक्टली उसके नीचे यहाँ. इसके रैपिड डायमेंशंस, लेट इट बी 10 एंड दिस वन आल्सो बी 10. जस्ट डायमेंशन देता हूँ सिमेट्री के लिए एंड क्लोज. उसके बाद लाइन लेंगे, पॉइंट उनको टेंजेंट रख के यहाँ पे टेंजेंट, या फिर यहाँ से इस साइकिल के लिए. इसके ये एक्स्ट्रा डायमेंशन है, इसको डिलीट कर देंगे. नाउ यहाँ पे हमारे पास क्विक ट्रिम कमांड है, जिससे ये अंदर का हम क्लियर कर सकते हैं एंड क्लोज इट. अब एक लाइन लेंगे सेंटर में, एस्केप. इसका डिस्टेंस होगा 50 और इस पे राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू रेफरेंस. ये रेफरेंस लाइन आ गई हमारी. अब मिरर कमांड यूज़ करनी है. यहाँ पे है मिरर कर्व, इस कर्व को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट सेंटर लाइन एंड ओके. ये हमारा मिरर कमांड यूज़ हो गई. अब मैं फिलेट कमांड भी यूज़ करूँगा यहाँ. फिनिश लाइक दिस. हमारा मिरर कमांड का यूज़ हो गया. अब सेकंड है सर्कुलर पैटर्न में मिरर कमांड कैसे यूज़ करेंगे, उसका भी एग्जांपल कर लेते हैं. उसके लिए पहले इसे डिलीट कर लेते हैं. स्केच को सेलेक्ट किया और डिलीट. मेनू,
insert sketch in environment इस प्लेन पे, ओके। यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न है तो उसके लिए सर्कल लेंगे, डायमेंशंस अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ इसलिए डायमेंशंस नहीं दे रहा हूँ मैं इसकी। ठीक है, ऐसे क्विक ट्रिम कमांड का यूज करके एक्स्ट्रा चीजें डिलीट कर देते हैं, ओके। एक और डिलीट करना है ये अंदर की कॉप, ठीक है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट लगाएंगे, मुझे हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए ये दोनों, ओके। ऑलरेडी वर्टिकल लाइंस है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे देते हैं, कटिंग कर देते हैं और इसका और इस एक्सिस का हो जाएगा 9। सिमेट्रिक हो गया है। अब मुझे कंस्ट्रक्शन लाइंस लगानी होंगी दो, या एक लगा लेते हैं दूसरे को मेजर कर लेंगे, ठीक है। डायमेंशन इसका और इसका एंगल दे देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं 30 डिग्री का एंगल दे रहा हूँ एंड इसके इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू रेफरेंस, ओके। नाउ यहाँ पे मिरर कर्व दिस वन सेंट्रल एक्सिस y axis and okay. Now select this one plus this one and measure these curves about this axis. Fine. Apply. Similarly select this plus this and mirror about this shift and deselect. Central axis is this one and okay. Now similarly select this one setting all the edges, all the lines, mirror these curves about horizontal axis. Let me zoom a little bit. And okay. Now again zoom to fit, take quick trim command, and remove the extra lines over there. Wherever there is extra which you don't want, just remove them. Like this.
and close. Here we have mirror around a circular pattern. This is, if you have anything like you want to make gear and teeth of the gear, you need to make only one teeth, and after that you can apply the mirror command by making one of the central axis, mirror this about it, and then make another central axis, mirror this axis about this, and then you can make teeth plus axis mirror about the next axis, and then it will be there. You have to make only one part, half of the part you have to make, and the other one you can mirror. So that's all for today. Aaj ka mirror ka part khatam hua. Thank you very much.